हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। तो यार आज हम बात करेंगे टॉप थ्री चेस्ट एक्सरसाइज की फॉर मसल गेन और फैट लॉस। कौन सी टॉप थ्री चेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर मसल गेन कर रहे हो। आपको तो पता ही है कि चेस्ट हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव मसल है। एक लड़के के लिए एक बिग और अट्रैक्टिव चेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप शर्ट पहनते हैं या टी शर्ट पहनते हैं या फिर आप शर्ट खोलते हैं या टी शर्ट खोलते हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फ्रंट मसल है फॉर एवरी गाय। तो भाई लोग, चेस्ट मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेस्ट की एक्सरसाइज को सभी लगाते हैं और लगा रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि उनका भी एक बिग अट्रैक्टिव चेस्ट मसल हो। हम बात करेंगे टॉप थ्री एक्सरसाइज की। वैसे तो सभी एक्सरसाइज बेस्ट होती है, डिपेंड करता है आप पे कि आप उस एक्सरसाइज को कैसे कर रहे हो और कितने फोकस के साथ कर रहे हो। तो चलो भाई लोग, चल के देखते हैं कि कौन सी टॉप थ्री चेस्ट एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। तो वेलकम बैक अगेन गाइज हमारे अपने एम ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो गाइज, तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो और या से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो टॉप थ्री में सबसे पहली एक्सरसाइज है सबकी ऑल टाइम फेवरेट, बेंच प्रेस। तो बेंच प्रेस वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको सभी करते हैं, चाहे वो फैट लॉस कर रहे हैं या फिर मसल गेन कर रहे हैं। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो भी इस एक्सरसाइज को करते हैं। ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके पेक्टोरल के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि चेस्ट को पेक्टोरल बोलते हैं। पेक्टोरल के दो मसल्स होते हैं, पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर। उसके अंदर अपर लोअर फ्लैट नहीं होता। ह्यूमन एटॉमी के अंदर पेक्टोरल बोलते हैं और पेक्टोरल के दो पार्ट होते हैं, पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है और बहुत लोगों को पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको जानना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम आपको होगी। अब बात करते हैं मेजर का कौन सा मसल है और माइनर का कौन सा मसल है। मेजर का मसल होता है ऊपर वाला। जब आप प्रेस लगाते हैं तो उस टाइम आपका मेजर पेक्टोरल ट्रेन होता है। चाहे आप कुछ भी लगा रहे हो, इंक्लाइन, डिक्लाइन या फिर फ्लैट, आपका पेक्टोरल मेजर ट्रेन होता है उस टाइम। पेक्टोरल माइनर आपके पेक्टोरल मेजर के नीचे वाला मसल होता है। जब आप फ्लाई लगाते हैं तो आपका पेक्टोरल माइनर खींचता है, आपका पेक्टोरल माइनर ट्रेन होता है। बात को समझो, जब आप प्रेस लगा रहे हैं तो आपका पेक्टोरल मेजर ट्रेन हो रहा है और जब आप फ्लाई की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका पेक्टोरल माइनर ट्रेन हो रहा है। बेंच प्रेस बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके पेक्टोरल मेजर का। जब मेजर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं चेस्ट की साइज की। पेक्टोरल मेजर आपके चेस्ट के साइज के लिए होता है और पेक्टोरल माइनर आपके चेस्ट के चौड़ेपन के लिए होता है। जब आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसको कभी भी मिस ना करें, क्योंकि ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपके चेस्ट के लिए। मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको कभी भी मिस नहीं करता। सेकंड एक्सरसाइज है डंबल फ्लाई। इस एक्सरसाइज में आपका पेक्टोरल माइनर ट्रेन होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जब आप प्रेस लगा रहे हैं तो आपका पेक्टोरल मेजर ट्रेन हो रहा है और आप जब फ्लाई लगा रहे हैं तो आपका पेक्टोरल माइनर ट्रेन हो रहा है। पेक्टोरल माइनर आपके चेस्ट के वृत्त के लिए होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके पेक्टोरल माइनर के लिए। जब आप फ्लाई लगाते हैं तब आप अपने चेस्ट को स्ट्रेच करेंगे और टॉप पे जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और एक बात, आप कोशिश करें कि आपका चेस्ट आपस में टच हो। आपस में टच होना जरूरी है। उसको फील करो कि आपका चेस्ट आपस में टच हो रहा है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो यार आप गलती कर रहे हो, इस बात को ध्यान में रखना। थर्ड एक्सरसाइज है केवल डिक्लाइन फ्लाई। ये सेकंड बेस्ट एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए। इसके जगह आप डिक्लाइन डिप्स भी लगा सकते हैं, वो भी चेस्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप उसको लगा सकते हो तो आप उसको ही लगाओ, पर जो उसको नहीं लगा पा रहे वो इसको लगाओ, क्योंकि सब कोई अपना बॉडी वेट को लिफ्ट नहीं कर पाता। इसलिए मैंने केवल डिक्लाइन फ्लाई को चूज किया ताकि सब कोई लगा सके। आप ये दोनों में से कोई भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज बढ़िया हैं। ये एक्सरसाइज उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिनके चेस्ट एरिया में फैट होता है। अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका चेस्ट का फैट कम हो जाएगा, मतलब कि आपका चेस्ट शेप में आ जाएगा। और अगर आपको फैट पूरे तरीके से ख़त्म करनी है तो भाई आपको उसके लिए कैलोरी डेफिसिट में खानी पड़ेगी, तब जाके आपका पूरा फैट ख़त्म होगा। तो ये थे टॉप थ्री एक्सरसाइज फॉर चेस्ट। एक्सरसाइज तो सभी अच्छी हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे उस एक्सरसाइज को कर रहे हो और आपकी फॉर्म सही है या गलत। आपकी फॉर्म सही रहेगी तो सारी एक्सरसाइज सही है। सही तरीके से एक्सरसाइज को करो
कम वेट में करो पर सही तरीके से करो। सिर्फ वेट को उठाने से कुछ नहीं होता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो और अगर फील नहीं कर पा रहे हो तो सब बकवास है, सब भाड़ में चला जाएगा। अगर आप बिगनर है तो आप ये ध्यान दें कि एक्सरसाइज करते टाइम आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ और फील कर पाएँ। अगर आप फील नहीं कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तो आपके मसल्स पे वो पंप नहीं आएगा जो कि आपको चाहिए, सिर्फ इंजरी होगी। इसीलिए फील करो और अपने एक्सरसाइज को अच्छे से करो ताकि आपका मसल्स पंप हो और जल्दी ग्रो करे। तो बस गाइस, वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहो, हिट रहो।